सभी को नमस्कार। अगला जो अपना आज का जो टॉपिक होगा न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, वो होगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट, विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण। और इसके लिए किस प्रकार से क्या करते हैं देखो, तो टॉपिक का नाम है विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट। देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो अपने जितने भी आघूर्ण उनको समझने की कोशिश करेंगे। अपन जो है नाभिक को एक समान आवेश वितरण मानते हैं, और माना कि ये आपका नाभिक है, इसके अंदर ये एक समान रूप से आवेश वितरित है। इसके कोई पॉइंट एक ले लिया, जिसका बिंदु जो कि पॉइंट ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक वॉल्यूम एलिमेंट आयतन अल्पांश ले लिया। ये माना कि जेड एक्स है, ये क्या है, जेड एक्सिस है। ये डिस्टेंस कितनी बताई मैंने, ये डिस्टेंस बताई थी मैंने आर वेक्टर, ठीक बात ना। जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर आप पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, अपन विद्युत विभव अपन ज्ञात करेंगे। ऐसा करने के लिए ये जो आयतन अल्पांश से एक टुकड़ा लिया है, इस टुकड़े के कारण अपन वहाँ पर बिंदु ए पर विभव फाइंड आउट करेंगे। पहले तो सबसे पहले ये इतना छोटा है कि इसको आप बिंदु आवेश मान सकते हो, और बिंदु आवेश के लिए विभव की वैल्यू होती है KQ/R, अपन जानते हैं कुछ। तो देखो, माना कि इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है और इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग हैं। ये आर वेक्टर मान लिया, और ये क्या माना कि कैपिटल आर वेक्टर है, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए वेक्टर है। कैपिटल आर वेक्टर और स्मॉल आर वेक्टर के बीच का ये जो कोण है, माना कि ये कितना है, थीटा है। सबसे पहले जो अल्पांश लिया है, अल्पांश जो लिया है वो कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर वेक्टर डिस्टेंस दूरी पे है, इसका वॉल्यूम माना कि डीवी है। और जो नाभिक है, जो नाभिक है उसका जो घनत्व है, वो घनत्व माना कि रो आर है। यहाँ पर ये बात आर ये बता रहा है कि आपका घनत्व आर के साथ चेंज होता रहेगा, जैसा कि अपने पहले टॉपिक में किया था कि नाभिक का घनत्व एक समान न होकर दूरी के साथ चेंज होता रहता है, ठीक बात ना। नाभिक के सेंटर के आसपास घनत्व एक समान होता है, उसके बाद जैसे अपन बाहर निकलते हैं घनत्व परिवर्तित होता रहता है। तो ये मान लिया। अब ये जो आयतन अल्पांश है, आयतन अल्पांश पर आवेश कितना होगा, मैंने एक लाइन बोली कि ये इतना छोटा है कि इसको बिंदु आवेश मान सकते हैं, पर आवेश DQ = अपन क्या लिखेंगे, ρdV। देखो, इस रो आर की जगह पर मैं सुविधा के लिए केवल रो लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये लिखा आपने ρdV, मेरे हिसाब से समझ आ गई, क्योंकि ρdQ/dV होता है, और तो DQ = क्या हो जाएगा, ρdV। फिर बाद में ये बात आप अलग से लिख लोगे कि बिंदु ए की इस अल्पांश से दूरी वो ए वेक्टर है, और बिंदु ए की मूल बिंदु ओ से जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर है। फिर बाद में बात करता हूँ इस अल्पांश के कारण ए पर विभव, माना कि वो डीफाई है, माना कि वो क्या है, डीफाई है, और वो आपका क्या हो जाएगा, मैंने तो एक फॉर्मूला काम में लिया था बोल के V = KQ/R किसी बिंदु आवेश के लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है। ये वॉल्यूम एलिमेंट इतना छोटा है, इसको आप पॉइंट चार्ज ले सकते हो। तो K की जगह लिखा 1/4πε, Q की जगह क्या आपका DQ यानी ρdV, R डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस वो कितनी है, A है, तो ये लिखा A। समझ आ गया मेरे हिसाब से।
फिर बाद में आगे लिखेंगे संपूर्ण आवेश वितरण, संपूर्ण आवेश वितरण यानी नाभिक, नाभिक के कारण पी पर विभव, ए पर विभव, और वो दिया जाएगा फाई और इंटीग्रल डी फाई। डी फाई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाहर आ गया, और ये आ गया रो डी वी और अपॉन ए, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब अपना मुख्य जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट किस प्रकार से करते हैं वो देखो। देखो समांतर चतुर्भुज नियम से अपन लोग एक बात जानते हैं, ये अगर आपका समांतर चतुर्भुज है इसमें आपको ये दे रखा, जैसे मान लो ए, ये आपको दे रखा बी, अगर आपको ये फाइंड आउट करना होता है तो आप लिखते हो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर ये निकालना हो तो ए माइनस बी लिखते हैं अपन, ठीक बात है ना। यहाँ कैपिटल आर और ये है तो ये निकालना है, तो देखो सदिश नियम से, सदिश नियम से या फिर त्रिभुज का नियम अप्लाई कर दो। सदिश नियम से आप लिखोगे यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल टू कैपिटल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, कैपिटल आर और आर के बीच में कौन थीटा है, तो आप इसका परिमाण जो है, परिमाण वो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस टू आर आर कोस थीटा। अब यहाँ आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि प्लस लिखते हैं, अगर ये प्लस होता तो यहाँ प्लस और ये माइनस होता तो ये माइनस अपन काम में लेते हैं। यहीं से देखो अपनी बात बन जाएगी, आर स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर 2 आर अपॉन आर कोस थीटा, ये हो गया अपना। चलिए अपन को इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने के लिए 1 अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन ए अगर मैं करना चाहूँ तो ये 1 अपॉन ए इक्वल टू रूट ले लें और 1 अपॉन में लेके जाएं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर और 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर 2 आर अपॉन कैपिटल आर और कोस थीटा की पावर 1/2, ठीक बात है। ये ऊपर जाएगा हम तो 1 अपॉन आर तो है ही है, और ये आ गया आपका 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा अपॉन कैपिटल आर की पावर माइनस हाफ। फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम काम में लेंगे। अगर इसको देखें तो ये अक्ष की जगह पर, बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, और ये चलता जाता है ध्यान हो तो। अब यहाँ पर अपन उच्च पदों को छोड़ेंगे, केवल 2 पद ही लिखेंगे क्योंकि स्मॉल आर अपन कैपिटल आर की वैल्यू बहुत कम है, स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे और भी छोटी राशियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो यहीं से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 अपॉन आर, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो ये आएगा अपना 1 प्लस एन, एन की जगह माइनस 1/2 है तो यह बन जाएगा माइनस 1/2, एक्स की जगह क्या हो गया आपका आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस थीटा अपॉन कैपिटल आर, ये एक्स है 1 प्लस एन एक्स, इसके बाद में ये एन एन माइनस 1/2। थोड़ा गौर करें तो एन की जगह माइनस 1/2 है तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 3/8, क्या आ जाएगा 3/4, 3/4 आएगा, और इसके बटा में फैक्टोरियल 2 और है, बटा में क्या फैक्टोरियल 2 और है तो ये लिखूंगा प्लस 3/8, और फिर क्या रखा आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर कोस थीटा अपॉन कैपिटल आर 2 आर कोस थीटा, 2 आर कोस थीटा अपॉन आर का होल स्क्वायर, और ये कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद इसको थोड़ा सोल्व करो तो 1 अपॉन ए इक्वल टू ये आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन आर, इसको थोड़ा देखो, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो आर कोस थीटा
अपॉन कैपिटल आर, फिलहाल तक ये दोनों किए हैं। अब आर स्क्वायर, इसमें स्क्वायर केवल ये टर्म स्क्वायर करूँगा वो आएगी, और एक स्क्वायर ये है, तो देखो माइनस एक बटा दो, ये तो रखा मैंने आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ से प्लस तीन बटा आठ, प्लस तीन बटा आठ ये है, इसकी स्क्वायर करूँगा पावर चार जाएगी, जो कि नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, इसकी टू ए बी की जगह करेंगे तो क्यूब आएगा, तो वो भी एक नेग्लिजिबल मान लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा फोर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फोर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये बन गया अपना। इसको मेरे हिसाब से आपने समझ लिया, थोड़ा और ठीक से लिखूं तो ये बराबर आ जाएगा वन अपॉन आर, वन प्लस आर, या इसको मल्टीप्लाई भी कर देते साथ, छोड़ो मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, आर कोस थीटा अपॉन कैपिटल आर, इसमें से कॉमन आ गया अपना आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा मैं, तो देखो चार दुनी आठ, ये दो कॉमन आ गए, ये तीन बच गया, तो ये बच गया अपना थ्री कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा माइनस वन, ये हो गया अपना कंप्लीट। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन किस प्रकार से करते हैं, तो देखो समीकरण एक में मान रखने पर, एक में मान रखने पर ये अपने पास प्राप्त हो जाता है फाई इक्वल टू, अगर आप इंटीग्रेशन वाला काम में लेते हो तो वो चलेगा, और इंटीग्रेशन काम में नहीं लेते हो तो वो भी चल सकता है। तो ये कर लेता हूँ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन तो बाहर है ही, अच्छा इंटीग्रल रो डीवी, अच्छा इसके बाद में ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो वन अपॉन आर, और ये शुरू होता है वन प्लस आर कोस थीटा अपॉन कैपिटल आर, और आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर, और थ्री कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर इसको थोड़ा और तरीके से डी फाई इक्वल टू करता हूँ, तो आपके पास केवल इतनी बात आ जाएगी, आ जाएगी डी फाई के लिए। तो ये देखो ये मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, तो फर्स्ट यहाँ से यह आ गया आपका वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन रो डी वी अपॉन आर, ये तो यहाँ से आ गया, यहाँ से जब लिखता हूँ तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, और ये आ गया रो डी वी और आर कोस थीटा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्या गया कैपिटल आर स्क्वायर। सेम ऐसे ही जब ये लिखता हूँ आगे वाला, तो आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, और फोर पाई एप्सिलॉन रो डी वी है ही, फिर ये कितना बनेगा आर स्क्वायर थ्री कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और नीचे आ जाएगा टू आर क्यूब, और बहुत सारे टर्म अपन ने छोड़ भी दी, वो डॉट डॉट लगाए लिख दिए। यह आपके पास में प्राप्त हो गया हम वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन पी नोट अपॉन आर, पी नोट अपॉन आर प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, ये लिखा मैंने पी वन अपॉन आर स्क्वायर, पी वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन, और ये लिखा पी टू और टू आर क्यूब, ये और भी आगे चलता जाएगा। आगे वाले जो डायपोल है उनको नेग्लिजिबल मान लिया इसलिए अपन ने छोड़ दिया था। अब आपके बाद दिमाग में आ रही होगी पी नोट किसको लिखा, पी नोट जो है वो मोनोपोल डायपोल मोनोपोल मोमेंट है, पी नोट मैंने जो लिखा है वो लिखा है रो डी वी को, किसको लिखा है रो डी वी, ठीक है ना, और रो डी वी किसके बराबर होता है
क्यू के बराबर होता है या फिर क्यू नोट के बराबर होता है, और इसी का नाम क्या बताया था मैंने, मोनोपोल मोमेंट। ये देखो आवेश ही एक प्रकार का, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव इतना ही होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक बात ना। तो सेम वही प्राप्त हुआ है। यहाँ अपन ने जो पी वन की जो बात की है, पी वन किसको लिखा है, इसको लिखा है, यह है रो डी वी और आर कोस थीटा, आर कोस थीटा को लिखा है, यह कहलाता है डायपोल मोमेंट। क्या होता है, डायपोल मोमेंट कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये इसका जेड कंपोनेंट है, तो इसका जेड कंपोनेंट किस प्रकार से देखो, ये लिखेंगे रो डी वी को मैं क्यों लिख सकता हूँ, आर कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, जेड लिख सकता हूँ। तो ये आपका आ गया क्यू और ये आ गया जेड, क्यों जेड। आर कोस थीटा क्या लिखा जा सकता है, जेड लिखा जा सकता है। इसके बाद में जो पी टू जो लिखा है, पी टू वो मैंने किसको लिखा है, वो लिखा रो डी वी, रो डी वी और आर स्क्वायर और थ्री कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान दे सकते हो आप, अगर आप एक इंटीग्रेशन काम में लो तो ये इंटीग्रल काम में ले सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीग्रल जो लग रहा था उसको हटाया था, वो लगाना चाहो तो वो लगा दो, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो डी वी तो अपना क्यों हो गया, आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्री आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, आर कोस थीटा की जगह लिखूंगा जेड, तो क्यों तो बाहर लिखा, तो ये आ गया थ्री जेड स्क्वायर माइनस, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, और ये जेड कंपोनेंट कहलाता है और किसका, क्वाड्रापोल मोमेंट का, क्यू यू ए डी आर यू, क्वाड्रापोल मोमेंट का। तो अपना जो विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण है उससे अपना संबंध इससे है, ठीक है ना। इसको नॉर्मली कैपिटल क्यू से अपन लिख देते हैं, कैपिटल क्यों से अपन लिख देते हैं। एक बात और जानती होगी, मैंने इसको इसको बोला है क्वाड्रापोल मोमेंट। कई बार क्या होता है, क्वाड्रापोल मोमेंट में जो बटा में दो आया था उस इक्वेशन के, उसको भी काम में ले लेते हैं, यानी इसकी जगह पर लिखा आ जाता है। मैंने जो लिखा वो लिखा क्यों थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर इसकी जगह पर यह भी लिखा आ सकता है क्यू अपॉन टू और थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी वो जो बटा में दो चल रहा था उस इक्वेशन में वो भी इसके अंदर समाहित कर लेते हैं कई बार। तो अपन यहाँ पर ये काम में लेंगे क्यों थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर यूनिट की बात की जाए, क्योंकि यूनिट की बात की जाए, यूनिट जो है देखो होना तो क्या चाहिए क्यों इंटू ये, लेकिन नॉर्मली क्या है कि नाभिक की जब बात होती है तो यहाँ पर ई के ये जो क्यों आवेश है नाभिक के लिए जेड ई होगा, यानी यहाँ पर ई पक्का आएगा। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि क्वाड्रापोल मोमेंट को क्यू अपॉन ई से लिख देते हैं। जैसे ही क्यू अपॉन ई लिखेंगे तो पीछे जो यूनिट बचेगी वो बचेगी मीटर स्क्वायर की, किसकी बचेगी, मीटर स्क्वायर की यूनिट बचेगी, यानी इसकी जो यूनिट है वो कितनी होगी मीटर स्क्वायर। चूँकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी प्राप्त होती है तो इसकी जो एक अन्य मात्रक भी काम में लेते हैं बार्न, एक बार्न जो है वो बराबर होता है 10^-28 मीटर स्क्वायर, 10^-28 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपन ने विद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक क्वाड्रापोल मोमेंट का फॉर्मूला प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अपन करने की कोशिश करेंगे कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण का महत्व क्या है। इसके साथ साथ दो एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक जो छोटे क्वेश्चन के छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, अपने एक पेरिटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अपने एक जो इलेक्ट्रॉन का नाभिक का स्पिन या कोणीय संवेग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे न्यूक्लियर सेल मॉडल के द्वारा। ये तीनों बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगी, यानी कल होंगी। थैंक यू।